हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जो है बेटा लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे कि जो रेगुलर क्रॉप प्रैक्टिस जो होती है बेटा, उसमें किस तरीके से जो है बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को जो है बेटा परफॉर्म किया जाता है। और आज जो है बेटा हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सोविंग ऑफ सीड्स, के सीड्स को जो है बेटा किस तरीके से फील्ड के अंदर जो है बेटा काम में लिया जाता है, किस तरीके से जो है बेटा उन्हें सो किया जाता है जिससे वो डेवलप होकर के जो है बेटा एक नए प्लांट की फॉर्म में जो है बेटा कन्वर्ट होते हैं, एक नए प्लांट के रूप में जो है बेटा ग्रो होते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले सोविंग ऑफ सीड्स के अंदर जो है बेटा सबसे पहला जो टास्क होता है वो हमारे पास में होता है बेटा कलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। हमें जो है बेटा कलेक्ट करने होते हैं गुड क्वालिटी के सीड्स। तो गुड क्वालिटी सीड्स जो है बेटा वो किस तरीके से कलेक्ट किए जा सकते हैं, क्या उनकी जो है बेटा क्लासिफिकेशंस होते हैं कि ये सीड्स जो है वो गुड क्वालिटी के होंगे। सबसे पहला जो है बेटा ग्रेन की साइज जो है बेटा वो प्रॉपर होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली जितने भी ग्रेन्स आप सोविंग के अंदर काम में लेने वाले हैं उन सभी की साइज जो है बेटा वो सिमिलर होने चाहिए। सारे के सारे ग्रेन्स जो है बेटा वो रोटन नहीं होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। और साथ ही साथ जो है बेटा वो जब स्टोर करके रखे गए हो तो उनको वेल पैक्ड करके जो है बेटा स्टोर करके रखा गया हो तभी जो है बेटा हम लोग उन्हें यूज दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है बेटा जो सीड्स हम लोग जो है बेटा सोविंग के लिए काम में ले रहे हैं वो इंसेक्ट फ्री और डिजीज फ्री सीड्स जो है बेटा होने चाहिए। और उसके अलावा जो है बेटा जैसे मान लीजिए आपके पास में सीड्स हैं और वो जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है बेटा तरीके के जो है वो सीड्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के अगर सीड्स हैं, कोई जो है बेटा वजन में हल्का है, कोई वजन में भारी है, तो किस तरीके से आप जो है बेटा उससे एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स को जो है बेटा वो सेपरेट कर सकते हैं। तो उसका एक मेथड है जो कि जनरली जो है बेटा सोविंग से पहले जो है बेटा फार्मर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये मेथड देखिए बेटा क्या है, एक बड़े से बीकर के अंदर जो है बेटा फार्मर एक बड़े से बकेट के अंदर जो है बेटा फार्मर जितने भी सीड्स उसके पास में है वो उन्हें जो है बेटा इसके अंदर डाल देता है। और इस बीकर के अंदर जो है बेटा पहले से भरा हुआ होता है वाटर। अब क्या किया जाता है बेटा, जैसे ही ये सीड्स इसके अंदर डाले जाते हैं, सीड्स इसके अंदर डालने के बाद ये सीड्स जो है बेटा धीरे 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 जो है बेटा सेपरेट होने लगते हैं। और मैक्सिमम सीड्स जो है बेटा वो इसके अंदर सेपरेट हो जाते हैं, जबकि कुछ सीड्स जो है बेटा इसी के अंदर अभी जो है ऊपर की ओर ही फ्लॉट करते रहते हैं। तो वो सीड्स जो कि इस बकेट के बॉटम के अंदर जो है बेटा सेपरेट हो चुके हैं वो सीड्स जो है बेटा कंप्लीटली फिल्ड सीड्स होते हैं और साथ ही साथ गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं जो कि वजन में भारी होने के कारण जो है बेटा यहाँ बॉटम के अंदर जो है बेटा सेपरेट हो जाते हैं, जबकि जो अनकम्प्लीटली फिल्ड जो है बेटा सीड्स होते हैं वजन में हल्के होने के कारण जो है बेटा ऊपर की ओर ही फ्लॉट करते रहते हैं। तो जो सीड्स जो है बेटा बॉटम के अंदर सेपरेट हो गए हैं उसके अलावा जो फ्लॉट कर रहे हैं उन फ्लोटिंग सीड्स को जो है बेटा फार्मर्स के द्वारा निकाल करके जो है बेटा साइड में कर दिया जाता है। और बॉटम के अंदर जो है बेटा जो सीड्स सेपरेट हो चुके हैं ये गुड क्वालिटी सीड्स हैं, इन गुड क्वालिटी सीड्स को जो है बेटा यहाँ से निकाल करके जो है बेटा सोविंग के लिए काम में लिया जाता है। अब सोविंग के टाइम पे जो है बेटा किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, पहली चीज कि जब सीड्स को सो कर रहे होते हैं उस वक्त पे सभी सीड्स को जो है वो एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो है वो सो करना होता है। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर सो करने के साथ साथ जो है बेटा सभी सीड्स की जो डेप्थ है जिसको जिससे जो है मतलब उन्हें जो है सॉइल के अंदर कितना अंदर की ओर तक जो है बेटा उन्हें डालना है वो डेप्थ भी जो है बेटा प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो जो है बेटा वो डेप्थ बहुत कम हो और ना ही जो है बेटा वो डेप्थ बहुत ज्यादा हो। दोनों चीजों से क्या नुकसान है देखिए बेटा, अगर डेप्थ बहुत कम होगी बेटा तो वहां पे उड़ने वाले जो बर्ड्स होंगे, जो पक्षी होंगे, उन सीड को जो है बेटा उन ग्रेन्स पार्ट्स को जो है बेटा वो उठा करके जो है बेटा प्लग करके जो है बेटा वो ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए जो है बेटा फूड है और वो वहां पे जो है बेटा कल्टीवेट नहीं हो पाएगा।
और अगर हमने जो है बेटा बहुत ज्यादा डीपली जो है अगर उसको सॉ कर दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा डीपली जो है बेटा सॉ करने पर जो सीड्स है बेटा वो जो है बेटा कल्टीवेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में होने के कारण वो अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाएंगे, उन तक जो है बेटा जो इरिगेशन का जो वाटर है बेटा वो नहीं पहुंच पाएगा। डेट्स वाई जो है बेटा वो सीड्स एक प्लांट की फॉर्म में जो है बेटा डेवलप नहीं हो पाएंगे। डेट्स वाई जो है हमें सीड को जब सो करते हैं तो ना तो बहुत ज्यादा डीपली और ना ही जो है बेटा अपर सरफेस के ऊपर उसको रखना है, एक प्रॉपर डेप्थ तक जो है बेटा उसको हम लोग देखिए बेटा क्रॉप कौन सी है उसके बेसिस पे जो है बेटा हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो है उस क्रॉप के सीड्स को होल फील्ड के अंदर जो है वो सो करना है या ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस के थ्रू जो है बेटा उसकी सोविंग करनी है। अब जो है बेटा यहाँ पे मैंने जो है ट्रांसप्लांटिंग जो बेटा जो वर्ड यूज में लिया, ठीक है, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन जो है बेटा ये वर्ड जो है बेटा इससे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं कि क्या होता है। ये ट्रांसप्लांटेशन होता है बेटा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट फील्ड जो होता है बेटा उस कंप्लीट फील्ड के एक छोटे से हिस्से के अंदर, बिल्कुल छोटे से हिस्से के अंदर जो है बेटा सीड्स को बिल्कुल पास पास सो किया जाता है और उन्हें लगातार जो है बेटा इरिगेट किया जाता है, साथ ही साथ जो है बेटा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है बेटा वो सप्लाई किए जाते हैं। और जब ये सीड्स ग्रो करके छोटे छोटे से प्लांट्स के अंदर बदल जाते हैं तब जो है बेटा इन प्लांट्स को यहां से हटा करके जो रिमेनिंग फील्ड है उसके अंदर जो है बेटा एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर जो है बेटा सो कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर जो है बेटा एक कंप्लीट छोटे प्लांट को जो है बेटा जिसे हम प्लांटे भी कहते हैं उसे जो है बेटा फील्ड के एक छोटे से हिस्से से उठा करके फील्ड के रिमेनिंग पार्ट के अंदर जो है बेटा सो करने की जो प्रोसेस होती है इसे जो है बेटा ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। यानी कि प्लांट की लोकेशन को जो है बेटा हम लोग जो है वो एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर जो है बेटा ले जाते हैं, यानी कि उसकी लोकेशन को जो है बेटा हम लोग बदल देते हैं। इस प्रोसेस को जो है बेटा ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। और जनरली जो है बेटा ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसेस है ये ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइस क्रॉप। राइस क्रॉप जो है बेटा वो इसी तरीके से कल्टीवेट की जाती है जिसके अंदर जो है बेटा क्या करते हैं हम लोग जो है बेटा किसी फार्म किसी फील्ड के एक छोटे से हिस्से के अंदर जो है बेटा सीड्स जो है बेटा सो करते हैं और जब वो सीड्स जो है बेटा डेवलप होकर के प्लांटेई के अंदर बदल जाते हैं तब उन प्लांटेईस को जो है बेटा वहां से हटा करके कंप्लीट फील्ड के अंदर जो है बेटा एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो है बेटा सो कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है कहलाती है बेटा ट्रांसप्लांटेशन। अब इसके बाद में जो है बेटा हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक वो है बेटा कि सोविंग जो है वो किस तरीके से की जाती है, सोविंग के लिए कौन सी मशीनरी यूज आती है। क्योंकि अगर मान लीजिए फील्ड अगर बहुत बड़ा है तो वहां जो है वो सोविंग के लिए जो है किसी न किसी मशीनरी का जो है बेटा यूज लेना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी मशीन है जो कि सोविंग के लिए काम में आती है। इस मशीन का डायग्राम जो है बेटा वो मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो के साथ ही जो है बेटा व्हाट्सअप कर दूंगा। और इस मशीन का नाम होता है बेटा सीड ड्रिल। जनरली पहले के समय में जो है बेटा जो प्लग होता था उस प्लग के साथ ही जो है बेटा मैनुअली जो है बेटा एक एक करके जो है बेटा सीड जो है वो कल्टीवेट किए जाते थे। और अब मॉडर्न टाइम के अंदर जो है बेटा प्लग के साथ में जो है बेटा सीड्स को जो है वो सो नहीं करके सीड ड्रिल का जो है बेटा यूज किया जाता है। सीड ड्रिल जो है बेटा एक मोस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक और साथ ही साथ जो है बेटा मोस्ट एक्यूरेट वे है सोइंग ऑफ सीड्स का। क्योंकि इस मेथड के थ्रू जो है बेटा सीड्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में और प्रॉपरली एक ही रो में जो है बेटा और साथ ही साथ जो है बेटा एक प्रॉपर डेप्थ पे जो है बेटा सो कर दिए जाते हैं। और जिसके कारण जो है बेटा आपको मिलने वाली जो क्रॉप होती है आपको मिलने वाली जो यील्ड होती है वो काफी अच्छी होती है। इस सीड ड्रिल का जो है बेटा एक वीडियो ये जो वीडियो आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उसी चैनल के ऊपर जो है बेटा सीड ड्रिल की भी एक वीडियो मैंने जो है वो अपलोड करी हुई है। तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है बेटा उस सीड ड्रिल की वीडियो को देख करके
ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सीड ड्रिल की हेल्प से जो है बेटा सॉविंग जो है वो की जाती है। अब इसके बाद में जो है बेटा यहाँ पे एक वर्ड जो है बेटा वो आप लोगों को दिया हुआ है जो कि है बेटा ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग देखिए बेटा क्या है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर कहा गया है क्रॉप लाइक वीट एंड राइस आर नॉट ग्रोवन इन रोज, यानी कि जो है बेटा एक सीधी रेखा के अंदर जो है बेटा इनको जो है वो नहीं उगाया जाता है। द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड, इन्हें जो है बेटा रेंडमली जो है बेटा फैला दिया जाता है। व्हेन दीज सीड्स आर स्कैटर्ड रेंडमली विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑफ सॉयल द मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि मैनुअली जो है बेटा जब आप लोग जो है अगर राइस को या फिर जो है बेटा अगर हम लोग बात करें वीट क्रॉप को, अगर इनके सीड्स को जो है बेटा हाथों से अगर यूं फैला देंगे फील्ड के अंदर रेंडमली एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर, और जो है बेटा एक रो के अंदर जो है बेटा अगर आप ना उगाते हुए अगर हाथ से फेंक फेंक करके जो है बेटा अगर सीड्स को जो है बेटा फील्ड के अंदर अगर फैलाएंगे, तो ये मेथड जो होता है बेटा ये कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। इस मेथड के अंदर जो है बेटा जो सीड्स की सोविंग होती है वो मैन्युअली होती है, और अनयूनिफॉर्म वे के अंदर जो है बेटा ये सीड्स जो है वहां पे कल्टीवेट होने लगते हैं, वहां पे ग्रो होने लगते हैं, और इनके बीच में जो है बेटा ना तो प्रॉपर स्पेसिंग होती है और ना ही प्रॉपर डेप्थ रहती है। डेट्स वाई जो है बेटा ये जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है बेटा वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। उसका कारण है क्योंकि सीड्स को अगर आपने जनरली जो है बेटा केवल फेंका ही है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा अधिकतर सीड्स जो है वो जो पक्षी हैं जो बर्ड्स हैं उनके द्वारा जो है बेटा पिक कर लिए जाते हैं, उनके द्वारा उठा लिए जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए फूड होता है। और साथ ही साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं होने के कारण और प्रॉपर डेप्थ पे नहीं होने के कारण कई सारे सीड्स जो है बेटा वो जो है बेटा कल्टिवेट भी नहीं हो पाते हैं। डेट्स वाई जो है बेटा इसके लिए सीड ड्रिल का जो है बेटा यूज किया जाता है, और सीड ड्रिल की हेल्प से जो है बेटा हम लोग सोविंग ऑफ सीड्स जो है बेटा करते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास में जो है बेटा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहली बात, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की जो है बेटा एक फील्ड के अंदर रिक्वायरमेंट क्यों होती है। जनरली क्या होता है बेटा, जब हम लोग फील्ड की सॉइल के अंदर जो है बेटा रेगुलरली एक के बाद एक जो है बेटा क्रॉप्स को कल्टिवेट करते जाते हैं, तो वो क्रॉप्स जो है बेटा उस सॉइल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को जो है बेटा लगातार एब्जॉर्ब करती है, जिससे वहां जो सॉइल प्रेजेंट है उस सॉइल के अंदर जो है बेटा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। उस कमी को जो है बेटा दूर करने के लिए और वहां पे न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है बेटा बनाए रखने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स की। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों में क्या डिफरेंस है। मैन्योर जो है बेटा ये जो है वो नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, नेचुरली जो है बेटा जो नेचर में चीजें मौजूद है उन्हीं से जो है बेटा बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें काउडंग या फिर जो है बेटा ड्राई लीव्स ऑफ प्लांट, इन्हें जो है बेटा काफी दिनों तक जो है किसी एक जमीन के अंदर जो है बेटा एक बड़ा सा जो है बेटा गड्ढा खोद करके उसके अंदर जो है बेटा इन्हें डाल दिया जाता है, और इन्हें जो है बेटा थोड़े दिनों तक सड़ने दिया जाता है। जब ये जो है बेटा काउडंग और ड्राई लीव्स वगैरह जो है बेटा ये सड़ करके जो है बेटा डार्क ब्लैक कलर के अंदर जब बदल जाती है, तो यही जो है बेटा क्या कहलाता है, मैन्योर कहलाता है। और मैन्योर के अलावा जो है बेटा दूसरी चीज जो है वो है फर्टिलाइजर्स। इन फर्टिलाइजर्स को जो है बेटा इंडस्ट्रीज के अंदर जो है बेटा आर्टिफिशियली जो है तैयार किया जाता है। इनके अंदर भी जो है बेटा वही न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैन्योर के अंदर होते हैं और जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इन्हें जो है बेटा केमिकली जो है बेटा तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर के अंदर दूसरा जो बेटा बड़ा डिफरेंस है वो ये कि मैन्योर जो है वो किसी भी तरीके से नेचर को हार्म नहीं करता है, जबकि फर्टिलाइजर जो है बेटा नेचर को हार्म करता है। जो फर्टिलाइजर जहाँ बनता है बेटा वो इंडस्ट्रीज जो है बड़े पैमाने पर वेस्ट मटेरियल जो है बेटा रिलीज करती है, और वो वेस्ट मटेरियल जो है बेटा नेचर के लिए ठीक नहीं होता है, वो नेचर के अंदर पॉल्यूशन को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो है बेटा अगर हम लोग लगातार किसी फील्ड के अंदर जो है बेटा फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ की सॉइल की सैलिनिटी जो है बेटा फर्टिलाइजर्स के यानी कि केमिकल्स के यूज के कारण जो है बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है बेटा कुछ समय बाद में कुछ सालों बाद में जो है बेटा उस सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, और वहां पे जो क्रॉप यील्ड होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। जबकि जो है बेटा मैन्योर जो है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैन्योर को हम लोग जो है बेटा कई सैकड़ों सालों तक कई डिकेड्स तक जो है बेटा हम लोग लगातार जो है बेटा यूज ले सकते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता ही है, सॉइल की फर्टिलिटी को कभी भी कम नहीं करता है। लेकिन एक डीमेरिट भी होता है बेटा मैन्योर का फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में, वो ये
कि मैन्योर के अंदर जिस अमाउंट के अंदर हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट है या नहीं है, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती है। जबकि फर्टिलाइजर के अंदर जो है बेटा पर्टिकुलरली क्रॉप को जिस तरीके से जो है वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जो है बेटा अवेलेबल होते हैं। दैट्स व्हाई जो है बेटा वो फर्टिलाइजर जो है बेटा ज्यादा जल्दी से एक्ट करते हैं क्रॉप के ऊपर इन कंपैरिजन ऑफ मैन्योर। इसके अलावा जो यहाँ पे आप लोगों को मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में जो चीज दी हुई है बेटा उसे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।